कोरोना के शिकंजे से दिल्ली और मुंबई आजाद होते दिख रही है। दोनों शहरों में तीसरी लहर का पीक जा चुका है। नतीजा ये है कि दिल्ली ने कई बंदिशों को हटा लिया। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अभी कोरोना भयंकर रूप से अख्तियार अपना रूप किए हुए हैं। देश के दो महानगर दिल्ली और मुंबई, जहां कोरोना की मार बाकी शहरों से ज्यादा पड़ी, लेकिन अब राहत भी इन दोनों को पहले मिली है। दिल्ली और मुंबई में लगातार केस घट रहे हैं, राहतों का दौर शुरू हो गया, बंदिशें कम की जाने लगी हैं। दिल्ली में हालांकि मौतों की तादाद अभी भी डरा रही है, लेकिन केस कम हो रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में सिर्फ 4291 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि इन 24 घंटों में 24 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। संक्रमण दर भी अब 9.56% पर आ गई है। कोविड बिल्कुल कंट्रोल में है। केसेज अब 10% से भी नीचे चले गए हैं। आज जो केसेज आने वाले हैं वो 5000 से भी नीचे आएंगे और पॉजिटिविटी भी 10% से नीचे चले जाएगी। कोरोना केस में कमी को देखते हुए दिल्ली ने कई बंदिशों को हटा दिया है। गुरुवार को दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने बैठक के बाद कई राहतों का ऐलान किया। फैसले के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। अभी तक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहता था। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। दिल्ली में सिनेमा हॉल खुल सकेंगे, हालांकि 50% क्षमता के साथ। सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। बार रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। डीडीएमए ने अपनी बैठक में ऑड इवन पॉलिसी को वापस ले लिया है, साथ ही वीकेंड कर्फ्यू के तमाम रेस्ट्रिक्शंस वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही अब सरकारी दफ्तर भी प्राइवेट दफ्तरों की तरह 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। शादियों के लिए 200 लोगों की कैपिंग लगाई गई है, या बैंक्वेट हॉल या जो वेन्यू होगा उसका 50% कैपेसिटी में शादियां अब दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। कोरोना केस के लिहाज से बात करें तो दिल्ली से भी ज्यादा राहत मुंबई को मिली है। मुंबई में बीते 24 घंटे में सिर्फ 1384 केस आए, जबकि महाराष्ट्र के कुछ दूसरे शहरों में इससे ज्यादा केस थे। मसलन पुणे में 4171, पिंपरी चिंचवाड़ में 2204 और नागपुर में 2069 केस आए। अब तो महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे हैं कि जल्द ही टूरिस्ट स्पॉट को खोल देंगे। केस कम हुए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना पूरी तरह से विदा नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।